हेलो दोस्तों, आप सभी का ये मिमीकर में स्वागत है। आज मैं आपके लेके आई हूँ एकदम डिफरेंट टेस्ट वाली फिश करी की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कतला फिश लिया है। आप अपने पसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं। बहुत कम चीजों से ही होटल और रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी फिश करी आज हम बनाएंगे घर पे। मैंने 1 किलो फिश लिया है, जिसे अच्छे तरीके से धो के मैंने साफ कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को अच्छे तरीके से फिश के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं इसमें। फिश को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे सरसों का तेल। मसालों को मछली के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। मैंने इसमें तेल इसलिए डाला है कि तेल की वजह से जो मसाले हैं वो मछली के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाएंगे। दोनों हाथों की सहायता से मसालों को अच्छे तरीके से मछली पे लगाएंगे। मसाले जितने अच्छे से मछली पे लगे होंगे उतने ही ये खाने में टेस्टी बनेंगे। मसाले एकदम अच्छे तरीके से लग चुके हैं। अब फिश फ्राई के लिए तैयार है। एक पैन में लेंगे 3 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब एक एक करके सारे फिश के पीसेस को इसमें डाल देंगे। एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट का समय हो गया है। अब एक एक करके इसको पलट लेते हैं। फिश को फ्राई करने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है। दूसरे तरफ से भी फिश को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। दूसरे तरफ से भी फिश फ्राई हो चुकी है। अब एक एक करके इसके पीसेस को निकाल लेते हैं। फिश को 2 मिनट से ज्यादा फ्राई मत करिएगा। अगर ये ओवर कुक हो गई तो जब इसे हम ग्रेवी में डालेंगे तो ये टूट सकती है। अब जो ऑयल बचा हुआ है उसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कलियां लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, इसको भी इसमें डाल देंगे, कटी हुई 4 हरी मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च, इसको भी इसमें डाल देते हैं। सभी चीजों को थोड़ी देर तक भून लेंगे। अदरक लहसुन और मिर्च अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 प्याज कटी हुई। प्याज को भी थोड़ी देर तक इनके साथ लगातार चलाते हुए भून लेंगे। प्याज भी अच्छे तरीके से भून गई है। अब इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर को इनके साथ अच्छे से मिला लेते हैं और टमाटर को भी इनके साथ भून लेते हैं। टमाटर जल्दी से गल जाए इसके लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक को इसमें मिला लेते हैं और लगातार चलाते हुए टमाटर को इनके साथ भून लेते हैं। टमाटर एकदम अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे पीस के इसका स्मूथ पेस्ट बना के हमें तैयार कर लेना है। अब एक पैन में डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 हरी इलायची। इलायची को हल्का सा तेल में भून लेते हैं। अब गैस को कर देंगे बंद और तेल को हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मसालों को तेल में भून लेंगे। अगर तेल ज्यादा गर्म रहेगा तो ये मसाले जल जाएंगे। जब भी हम इस तरीके से मसाला भून के ग्रेवी बनाते हैं तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब गैस को कर लेंगे ऑन और पिसे हुए मसाले को इसमें डाल देंगे। मसालों को मिला लेते हैं और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर खाने में बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। मसालों को लगातार चलाते हुए इसी तरीके से भूनते रहेंगे थोड़ी देर तक। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर,
इसके साथ इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच फिश करी पाउडर। अगर आपके पास फिश करी पाउडर नहीं है तो आप चिकन मसाला या मीट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही इसमें डालेंगे एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। आप काली मिर्च पाउडर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सी में जो मसाले लगे रह गए थे उसे पानी डाल के मैं निकाल ले रही हूँ। इसे मिला लेंगे और थोड़ी देर तक मसालों को भून लेते हैं जब तक कि तेल मसाले से अलग ना हो जाए। मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। देखिए तेल भी अलग हो चुके हैं मसालों से। अब इसे एक बार अच्छे तरीके से चला लेते हैं। आप इस तरीके से फिश करी बना के खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बाकी फिश करी से इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इसमें मैं आधे ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। आप पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे मसालों में। मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने टमाटर में भी थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। अच्छे से इसको मिला लेते हैं ग्रेवी में। एक बॉयल आने तक इसे इसी तरीके से पका लेंगे। ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो चुका है, इसे एक बार चला लेते हैं। ग्रेवी का कितना अच्छा कलर निकल के आया है, देखने में ही टेस्टी लग रहा है। इसमें एक एक करके सारे फिश के पीसेस को डाल देंगे। फिश पहले से फ्राई है, ग्रेवी भी बिल्कुल अच्छे से पकी हुई है, इसलिए फिश करी बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में फिश करी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और इसे ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट का समय हो गया है, फिश बनके बिल्कुल तैयार है। इसे बिल्कुल हमें ज्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो जो पीसेस है वो टूट जाएंगे। ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से फिश गल चुकी है। फिश करी बनके तैयार है खाने के लिए। इसे आप चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है डिफरेंट स्टाइल की बनने वाली ये फिश करी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।